guys, welcome to my YouTube channel. It's your Didoma 46. So guys, आज हम निकल रहे हैं वापस अपने घर दिल्ली पे जा रहे हैं. तो विजय तो अपने मामा को मिलने गया, मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं नहीं गई हूँ. तो अभी हम निकल रहे हैं, कल सुबह की 6 बजे की ट्रेन है हमारी 6:15 को. एक सेकेंड गाइस, सो सॉरी गाइस, मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था. सो गाइस, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, उतना हाँ अभी भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है लाइट के इसके वजह से. हाँ तो कोई नहीं. सो गाइस, मैंने तो अपना रेडी कर लिया है, कल सुबह 6:15 की ट्रेन है हमारी. हमें राजधानी टिकट नहीं मिला, एक तो एक्सपेंसिव भी था और सीट भी नहीं थी, तो हमें कोई पूर्व की टिकट मिली है. अभी भी पटाखा इतना जला रहे हैं गाइस, यार पटाखा मत जलाया करो यार, जानवर डर जाते हैं बहुत ज्यादा. मेरे को भी डर लगता है पटाखा की आवाज से ना, मेरे छाती धाक 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 करता है अंदर से, ठस बोलता है मेरा दिल में. सो गाइस, यार पटाखा जो भी लगा रहा है मत लगाइए, इतना ज्यादा मत लगाइए यार, पॉल्यूशन भी फैल रहा है और जानवर लोग बहुत डर रहे हैं इससे ना. कल परसों हम जब ये डेकोरेट कर रहे थे यहाँ पे, बच्चे पटाखे लगा रहे थे, तो यहाँ का ब्राउनी एक कुत्ता है जो इन्होंने पाल रखा है, मतलब बचपन से देख रखा है, तो वो मैं इधर घर पे आके डर के छुप गया था. मेरे को इतना बुरा लगा, इतना डर रहा था, वापस जा ही नहीं रहा था. अब हम मार भी नहीं सकते निकालने के लिए. तो कुछ देर रहा तो वो बच्चों को हमने बोला पटाखा ये कर दो, बंद कर दो, मत लगाओ, कुत्ता डर रहा है, तो हमने उसको भेज दिया बाहर. तो गाइस, ज्यादा मत जलाइए, अभी भी यहाँ पे इतना पटाखा, रात भर पटाखा, नींद नहीं आती है, इतना दिक्कत. तो गाइस यार, मैंने तो पैकिंग कर लिया, विजय अपने मामा के घर गया हुआ है दोपहर से, अभी तक नहीं आया है. मेरा इतना दिमाग आउट हो रहा है ना कसम से, बंदा को टाइम टेबल की थोड़ी भी ये नहीं है, अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करता है जो कि मैं नहीं झेल पाऊंगा. मुझे लगता है ये ज्यादा ऐसे ही करते रहेगा ना, हमारा रिश्ता नहीं टिकेगा, क्योंकि मुझे टाइम टेबल करेक्ट होना चाहिए, मेरे को पसंद नहीं है ये सब बच्चों जैसी हरकतें करता है. इतना भी नहीं यार, अब मैच्योर्ड है, 25 साल का है, देखो ना, समझता नहीं है, दिमाग खराब करता है मेरा. अब टाइम टेबल देखो, अभी टाइम हो रहा है, जल्दी निकलना है हम लोगों को यहाँ से, गाड़ी नहीं मिलेगा शाम को यहाँ से बहुत दिक्कत होता है, फिर 2-3 हजार देके टैक्सी करके जाना पड़ेगा, कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा, पहले ही इतना बजट में निकल रहा हूँ मैं. इतना दिमाग खराब हो रहा है ना मेरा, कसम से मूड ऑफ हो रहा है मेरा. अभी अकेला मैं अपना तो पैकिंग कर लिया, मेरा सूटकेस में इतना ही आ गया, अभी उसका इतना सारा कपड़ा है, पता नहीं कहाँ डालेगा, क्या करेगा, आना चाहिए. उसकी मम्मा तो पाप काम जाके आ भी गई, दोपहर से कुछ खाया भी नहीं, माँ ने बोला खा लो घर पे जाके, मैं अकेला कैसा खाऊंगा, ये भी टेंशन नहीं है, भी मैंने कुछ खाया नहीं खाया, जाऊंगा जल्दी आना चाहिए, बोला आधा एक घंटे में आ जाऊंगा, कहा आधा एक घंटा, दोपहर गया अभी तक आया नहीं है, शाम के 5 बज रहे हैं अभी तक भी. मेरा इतनी बीपी चढ़ रही है ना, मेरे को कसम से, मेरे को लगता है हम दोनों का ज्यादा रिश्ता टिकेगा नहीं, ऐसे ही होते रहेगा ना, नहीं टिकने वाला हमारा रिश्ता. उसको माँ को बोल दिया अभी वो आना है तो आए, नहीं तो नहीं बोला, मैं तो दिमाग खराब हो गया मेरा, इतना मूड ऑफ हो गया मेरा कसम से. पहले ही मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इतना दिक्कत हो रहा है, मेरा हाथ पैर अंदर से कांप रहा है, देख सकते हो आप, अंदर माँ ने जो दिया था वो वाला भी पहना हुआ है, उसके ऊपर ये पहना है, अंदर मैंने शॉर्ट पैंट पहना है, उसके ऊपर ये पैंट पहना है, शूज पहना है, देख लो इतना मोटा सॉक्स पहना है मैंने अंदर. मेरे को इतना सर्दी हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ भी तो मेरे को वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है मेरे को, इतना ठंडी हो रहा है, इतना ठंडी. कल तो पूरा 24 आवर्स बारिश था, आज पूरा फॉग था, दोपहर में इतना ज्यादा फॉग था कि लोगों का घर भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना फॉग आ गया था यहाँ पे, और इतना ठंडी में दो कंबल, तीन कंबल, एक दो कम है यहाँ, तीन, एक दो तीन कंबल पहन के सोया था मैं, अभी तक बंदा आ नहीं रहा. गले में बहुत जलन हो रहा है मेरे को, बहुत दिक्कत हो रहा है.
मेरा देखो गाइस, मेरा सूटकेस देख लो, पैकिंग हो चुका है मेरा। तो अब वो बंदा क्या करेगा आके मेरे को नहीं पता। मैं तो रेडी हो चुका हूँ, तो अभी होगा उसके पापा रोएंगे शायद। और उनके पापा भी गए उसके साथ में, जल्दी आ नहीं रहे। मेरा इतना माइंड आउट हो रहा है, माइंड इतना आउट हो रहा है, बोल नहीं सकता हूँ। अभी रात भर स्टेशन में रुकना है, या हम रूम सस्ता हो तो मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। सुबह 6 बजे तक स्टेशन में बैठना है हम लोग को, गुवाहाटी के। मच्छर लड़ाते, पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे को इतना टेंशन लगा है, इतना टेंशन लगा है। बंदे को थोड़ा भी टेंशन नहीं है यार, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। मैं इतना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ, इतना कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं। मारो मुझे, मारो ओ भाई मुझे मारो। जिंदगी बर्बाद है कसम से। पता नहीं ऐसे कि इसके साथ में मैं जिंदगी कैसे काटूंगा, जो टाइम टेबल पे नहीं करता है, तो क्या होने वाला है यार इसका। इतना टेंशन देता है ना ये बंदा, कसम से। एक बच्चा जैसा माँ को टेंशन देता है ना, ऐसे टेंशन देता है मेरे को। कहीं पे भी जाता है ना, जल्दी आने का होता ही नहीं इससे। तो गाइस आप लोग बने रहिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है? तो बने रहिए, स्टे ट्यून। तो गाइस विजय आ चुका है, अभी अपना पैकिंग कर रहा है। क्या करेगा दूसरा, तो कुछ भी नहीं। अब मैं देखूंगा टैक्सी वगैरह को फोन करूंगा, वो अपना अपना पैकिंग कर रहा है, मुझे मतलब भी नहीं है बाहर में जाए। मेरा तो पैकिंग हो गया, अब मैं टैक्सी बुलाऊंगा गाइस। तो बने रहिए, फिर मैं दिखाऊंगा। स्टे ट्यून। आराम से बैठना, आराम से खाना, ज्यादा रक्स ही मत पीना। नहीं क्या हो गया? अफसोस लग गया मेरे को, सब लोग जा रहे थे छोड़ के, खाली दो अपन ये और मैं रह गया यहाँ पर। तो पापा जी हम लोग को जाना तो पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा ना। अफसोस लग रहा है मेरे को, बहुत दुख लग रहा है, इतना साल के बाद आए। अब पापा जी टाइम भी हो रहा है, अभी आके हम लोग महीना होने वाला है। अब दिवाली हो गया, सब हो गया, अब घर जाना पड़ेगा। उधर भी घर है, देखना पड़ेगा ना। तो उधर जाके काम, अब विजय भी काम करेगा ना वहाँ पे, तो काम तो करना चाहिए ना। आप दुखी मत हो, हम नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। हाँ दुखी लग रहे, अगले साल आ जाएगा ना। पक्का आएगा, फोन करने जरूरत नहीं, हम आ जाएगा अगले साल। अगले साल में ना दशहरा को ही आ जाएगा। दशहरा मनाने नहीं मिला ना हम लोग को, तो अगले साल दशहरा में आएगा। आप ऐसे हंसते खेलते रहो, ठीक है? रक्सी ज्यादा मत पियो, आप तो रक्सी ज्यादा मत पियो, खाना अच्छा खाओ, अपना सेहत का ध्यान दो। लो दुखी नहीं होने का। सो गाइस यार पापा बहुत अफसोस हो रहे हैं, पैकिंग हो चुकी है हमारी, अभी निकल रहे हैं हम लोग थोड़ी देर में। रोने का नहीं पापा जी, हम मरे थोड़ी है, जिंदा है ना, आ जाएंगे पापा जी। रो मत आप, मैं तो कोई भी नहीं है ना यहाँ पर, मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटी नहीं है, तो जाओ छोड़ के जाओ। ऐसा नहीं है पापा जी, आ जाएगा हम लोग नेक्स्ट को, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। ये आया तो था, नहीं तू तो बॉय, मैं तो पहली बार आया। हाँ तो अब क्या करेगा, जाना तो पड़ेगा ना पापा जी। आप लोग भी काम जाते हैं, हम लोग भी काम करेगा ना, काम करेगा तो अच्छा है ना। अब रोने का नहीं पापा जी, नहीं रोना, हम लोग आ जाएगा ना जल्दी, फिर नेक्स्ट ईयर। साल तो ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता ना।
भूलना मत, ना ना मैं नहीं भूलूंगा, याद करके जरूर आ जाना। जरूर आ जाऊंगा मैं। अब अपना सेहत का अच्छा ध्यान रखो, फिर हम आ जाएंगे। अब रोने का नहीं, अब रोना नहीं, अब रोना नहीं। बहू जब जाते हैं अच्छे से खुशी से विदा करने का, रो के विदा नहीं करने का, फिर हमारा रास्ता अच्छा नहीं होगा। हम लोग कुछ भी हो गया, रोड में एक्सीडेंट हो गया, मर गया तो हम लोग, तो फिर आप ऐसा ऐसा प्यार से हंसते खेलते भेजो ना, जैसा हम हंसते खेलते आया वैसे ही हंसते खेलते जाओ, बोलो ना आपका आशीर्वाद दो, अच्छा जाओ, अच्छा रहो। आशीर्वाद तो है ही, आप लोग का ऊपर में है। तो बस काफी हम लोग आराम, आगे लाइफ अच्छा हो जाएगा ना। इधर बैठे बैठे क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना, काम नहीं है, कुछ नहीं है। फिर हम लोग कमाएगा कैसा, खाएगा कैसा, आपके ऊपर बोझ भी तो नहीं बैठ सकते हम। जब मेरा ऊपर बोझ बोल दिया के? नहीं बोला, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, माँ बाप को तकलीफ। दिन बैठना है, खाना इधर में पियो, बैठो। मैं नहीं बोलता वैसा कि मेरा बोझ बोल दिया। सही बात, नहीं बोला इसलिए तो बोला। फिर भी हम लोग भी आपके आपके ऊपर ऐसा नहीं बैठना चाह रहा, हम भी कमाएगा, फिर आप लोग भी बुजुर्ग होगा तो हम लोग देखेगा ना। फिर अभी आप लोगों का काम था पैदा करना, पालना पोसना, बड़ा करना, कर दिया। अभी हमारा काम है ना माँ बाप को अच्छा देख पाओ, उनका अच्छा सोचो, है ना। मैं तो तुम लोग जा रहे बोल के मेरा बहुत अपसेट हो गया मैं, क्योंकि इतना कितना साल के बाद में आए ना शिलोंग में, है इधर तो है अपना खानदान, मगर जितना मेरा घर में इतना तो है नहीं, दूसरा घर में है नहीं, नहीं। तो मेरा घर में बेटा जैसा खाया पिलाया, जैसा भी पिलाया, खाना खाना ना जैसा भी खाया, तो मेरा घर में हुआ ना। हाँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा घर में आया, खाना पीना खाया, खुश है कि नहीं है? खुश है, बहुत खुश है। ये बात बोलना, मैं बहुत खुश हो गया इधर आके। नेक्स्ट टाइम आएगा भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं, क्या करेगा हम लोग का, तो पाइखाना जगह भी ऐसे ही है। कोई बात नहीं पापा जी, एडजस्ट करा ना, अभी तक मैं एडजस्ट कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। करना पड़ेगा, क्या करेगा, उपाय नहीं है। ये भी ऐसे ही करके इतना बड़ा हुआ है, सही बात है। कोई नहीं, बस आप अपना ख्याल रखो, रस्सी ज्यादा मत पियो, ठीक है। अभी हंस दो, हंस दो, स्माइल करो। नो स्माइल, स्माइल करो, स्माइल करो, हंस दो आप, खुशी खुशी भेजो हम लोग को। हम लोग सब घर सुनसान होके जाएगा, और मैं मियां और बीबी बैठेगा यहाँ पर, सब चला जाएगा, तो मैं तो खेलू ना। अगले साल आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा पापा जी। अगले साल आएगा तो क्या, अगले क्या आएगा, दशहरे को आएंगे ना। दशहरे को तो आएगा, मतलब क्या लेके आएगा, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? अंग्रेजी दारू? दारू नहीं यार, फिर क्या चाहिए? दारू के बाद छोड़ नहीं, खाली दारू ही में पीता है क्या? क्या क्या बोलते रहे भाई? एक तो मुन्नी भाई लेके आओ, मुन्नी भाई लेके आओ। क्या करना है, शादी करना है? फिर मेरे का कहाँ शादी करना है, फिर मेरा मुन्नी भाई, एक मतलब मुन्नी भाई बच्चा। आहा, दादा ना, दादा बनना है आपको? अच्छा, मुन्नी भाई ने मुन्ना भाई ले आओ अगले साल। अच्छा, ख्वाहिश है? अच्छा, देखेंगे जरूर जरूर, आपका दुआ से होता है जरूर। क्योंकि मैं मरने से पहले एक मुन्नी भाई या मुन्ना भाई तो देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, तो बाय बाय, बाय करो। गाइस अभी निकल रहे हैं हम, आप भी आ रहे हैं? हाँ, वही तो, रो मत, आज से खुशी खुशी भेजो ना। चलो रोने का नहीं, खुशी खुशी चलो। तो परफ्यूम, परफ्यूम चार्जर, चार्जर ले।
रोने का नहीं पापा जी, आराम से चलो। थैंक यू थैंक यू। हमेशा खुश रहना। आपका बेटा को समझाओ। बेटा को तो समझा दिया मैंने। तुझे तो रोना आटे का सार कल की को बनो। क्या? रोने वाले हो क्या? मैं क्यों रोऊंगा? नहीं। चाहिए इधर आते हैं बाबा का नाम नहीं तो रोने देते। मैं नहीं रोऊंगा। आशीर्वाद तेरे साथ। मैं कहाँ रो रहा हूँ? चलो हाँ खुशी खुशी आराम से। कैसा हो गया था? हमेशा उदास ही रहने पड़ेगा। चल 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 नाटक नाटक मत कर, नाटक मत कर। माँ आराम से रहना। माँ लोग सब आ रहे, सब आ रहे। वाओ चलो चलो। अभी हम जा रहे हैं वॉक करते गरी खाना, वहाँ से टैक्सी मिलेगी शायद हमें गोवा की। पापा जी देख लो, मम्मा पापा जी विजय विजय का दोस्त सब जा रहे। बहुत फॉग फॉग बहुत हो गया, फॉग बहुत है, फॉग बहुत हो रहा है, फॉग वो ठंडा है ठंडा जा रहे है। हे हे देख लो हम यहाँ वेट कर रहे हैं, ट्रैफिक इतना हो रखा है। गरी खाना ट्रैफिक ट्रैफिक, गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं अभी। पापा जी बाय बाय, आराम से रहना ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा मत ओके, बाय बाय। हाँ बाय, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर बाय भाई, थैंक यू सो मच। बच्चा का अच्छा ख्याल रखना लो, ठीक है रहियो भाई, मत पापा जी। गाइस अभी हम गाड़ी में हैं, अभी हम गुवाहाटी पहुंचेंगे, शायद एक डेढ़ घंटा लगेगा। अभी रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा। अभी ड्राइवर और विजय को वॉशरूम जाना था तो वो वॉशरूम गए हुए हैं। हाँ तो ऐसा है, अभी पापा जी घर पे रो रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। मम्मा को कॉल किया था हमने, मेरे पापा जी बहुत इमोशनल है, घर पूरा सूना हो गया बोल रहे हैं ना। सो गाइस मैं वीडियो को लंबा नहीं करते हुए जाऊंगा अभी, फिर वहां जाके हमें रूम लेना है क्योंकि सुबह 6:15 में ट्रेन है, तो अभी रात भर हम स्टेशन में रुक नहीं सकते, चोर वगैरह हो सकते हैं ना, तो इसलिए देखते हैं हम रूम लेते हैं क्या लेते हैं। सो गाइस अभी आप बने रहिएगा, मैं सोच रहा हूँ लंबा वीडियो करूँ या क्या करूँ, कोई नहीं आप लोगों को दिखा के करता हूँ ना। हाँ लाल चाय नहीं पीना, ये देखो बंदा नहीं, सुबह इतना गुस्सा आया था मेरे को, इतना गुस्सा आया था, अभी फिर मिल गया है, मैं तो मिलना भी नहीं चाह रहा हूँ, इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को। हाँ कोई नहीं, कितना भी करो अपना ही बंदा है, मेरा गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है, क्या करूँ, प्यार करता हूँ ना इसलिए। सो गाइस आप लोग बने रहिए, मैं आपको और दिखाऊंगा, एंड ना करो ना, ना करो ना, क्या करो, एंड करो ना करो, रूम पहुंच के एंड करूं क्या करूं सोच रहा हूं मैं। मैं पापा की याद आ रही है, पापा बहुत अच्छे हैं, पता नहीं वो कितने दिन रोएंगे, क्योंकि पहले भी पीछे जब अकेला गया था, जब जा रहा था एक हफ्ता पूरा रोया बोल रहा था माँ, मेरे को लग रहा है वो बहुत मूड ऑफ हो गया उनका, आज हम जा रहे हैं बोल के ना, हम भी क्या कर सकते, जाना तो पड़ेगा ना। सो गाइस कोई नहीं, अब इतना इमोशनल करके मैं इमोशनल हो जाऊँगा। ओके देन स्टे ट्यून, गुवाहाटी पहुँच के रूम लेके फिर मैं ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग खाना वाने रुके हुए गाड़ी में, मगर हम दोनों ने वहीं पे पूरी खा लिया था, अभी खाना नहीं खाएंगे हम है ना। अभी हम दोनों ने तो पूरी में पूरी खा लिया था, तो इसलिए अभी हम बैठे हुए हैं, ड्राइवर और दो जो पैसेंजर है वो दोनों खाना खाने गए हुए हैं। इसमें क्रीम लगाया था तुमने? तो दोनों खाना खाने गए हुए हैं, अभी हम दोनों यहाँ देखो काम ना धाम क्या कर रहे हैं,
तुम्हारा फेस का क्रीम है ना वो चिपचिप बन रहा। नाइट क्रीम लगाया था ऐसे। मेरे को नींद आ गया, मैं सो गया था। ये बंदे को तुको सिगरेट से इतना ये है ना, कसम से मैं थक जाता हूँ इसको बोल बोल के। ये देखो ढाबा दिखाता हूँ मैं, मेरा ढाबा यहाँ पे रुके है खाने के लिए। ढाबे का नाम तो लिखा है नहीं, पता नहीं है। है। कौन से रास्ते में है ये उसका क्या बोलते है नोमपो का हाईवे में है। सो गाइस मैं अभी मैं सोचा रूम पहुंच के व्लॉग एंड करूंगा, मन नहीं। मैं वहां जाके, हमें टाइम लगेगा 10:30 बजे हम पहुंचेंगे तो लेट हो जाएगा। सो गाइस इसलिए मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूं। और मैंने ना ठंड बहुत लगा था मेरे को, मैंने दो 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 पहना हुआ, दिखाएगा विजय आपको आउटफिट देख लो। यही वाला मैंने लिया था, कहां से? प्लाजा देख लो, अच्छा लग रहा है ना। मेरे को ऐसी ट्रैक सूट बहुत पसंद है। अभी दिल्ली में ठंडी आ रही है तो मैं ऐसे ही कोई गिफ्ट करने वाला गिफ्ट कर देना ऐसे ही, क्योंकि मेरे साइज का मिलता नहीं है यार। डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल, डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल चल जाएगा। और मेरे को नीचे ऐसा चूजी चाहिए, चूजी ये वाला चूजी नहीं है, और नीचे वाला ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो, करने में मजा नहीं है। और मैं जिम विम ज्वाइन करूंगा तो मेरे को ऐसे ही चाहिए ड्रेस। पीछे जो नाम दिखाई दे रहा है ना वही नाम है ढाबे में। सो गाइस आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपकी प्यारी जिडोमा को। मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ठंडा है। अब गुवाहाटी में शायद गर्मी है, थोड़ा सा गर्मी है वहाँ। हाँ तो गाइस अभी हम लोग को 6 बजे ट्रेन है सुबह, तो इसलिए ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। मेरे पापा की याद आ रही है मेरे को, पापा जी, मेरे पापा जी ब्लॉग देख रहे हैं तो पापा जी आई मिस यू, आप रोना मत। और मैं नेक्स्ट ईयर जल्दी आऊँगा, साल जैसे बीतेगा मैं आपके लिए मिलने आ जाऊँगा। रक्सी ज़्यादा मत पीना पापा जी, ओके बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, कीप सपोर्टिंग।